नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक हैं जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टा मोजे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको सारे विषयों के वीडियोस मिल जाते हैं, हमारे वीडियोस भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट पे आए हैं। लगभग ये हमारा आज का 24th लेक्चर है और इसके पहले तक हमने मराठा रूल इन छत्तीसगढ़, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ा है और आज हम लगभग 1854 तक पहुंच गए हैं और 1854 के आगे की कहानी आज हम लोग देखेंगे। अभी तक इसमें तीन पोर्शन बचे हुए हैं। एक तो ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़, जो 1854 के बाद से ब्रिटिश रूल चलेगा। इसी के दौरान 1854 के बाद 1857 पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो 1857 का रिवोल्ट है वो होगा और उसका जो इफेक्ट है वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। तो हम उसमें लगभग चार रिवोल्ट हम देखेंगे और उसके बाद एक पोर्शन बचता है, वो है ट्राइबल रिवोल्ट। ये ट्राइबल रिवोल्ट मैंने उसमें भी कवर कराया है, जब काकतीय डायनेस्टी पढ़ाया था तब, तो उसमें एक एक रिवोल्ट के बारे में हल्का हल्का नाम दे दिए थे कि कौन से किंग थे उस समय और कौन सा रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़। ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़, ये टाइम लगभग 1854 से स्टार्ट होता है। लेकिन अभी तक हमने ये देखा था कि 1854 पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसके वजह से जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वो भी डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन एक डेट देख लेते हैं, वो है 13 मार्च 1854। ये वही डेट है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स DOL इंप्लीमेंटेड, ये डेट। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आया था। तो 13 मार्च 1854 वाला डेट को याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इस डेट पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, ब्रिटिश कंट्रोल आ गया। लेकिन इसके पहले तो रघुजी थ्री रूल कर रहे थे और रघुजी थ्री डायरेक्ट यहां रूल नहीं कर रहे थे, वो अपने जिलेदार्स को भेजते थे जिसमें फर्स्ट उनका कृष्णा राव अप्पा थे, जो उनके पहले जो सुपरिटेंडेंट से चार्ज लिए थे, और इनके जो लास्ट जिलेदार थे रघुजी थ्री के वो थे गोपाल राव। तो ये गोपाल राव जब 1854 तक वो यहाँ के छत्तीसगढ़ के जिलेदार होते हैं, तो अब जो भी नया ब्रिटिश अपना ऑफिसर रखेगा वो इस जिलेदार जो लास्ट गोपाल राव है इससे अपना पावर ट्रांसफर लेगा। तो यहां पे जो लास्ट जिलेदार थे जो कि गोपाल राव थे, वो अपना जो पावर है, ठीक है, वो ट्रांसफर कर देता है। और उस समय जो ब्रिटिश अपने ऑफिसर्स रखते हैं उनका नाम वो रखते हैं डेप्यूटी कमिश्नर। तो डेप्यूटी कमिश्नर को अपना पावर दे देते हैं। ठीक है, और ये जो फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर है वो हमारे छत्तीसगढ़ का फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर था चार्ल्स इलियट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स इलियट को याद ही रखिएगा, चार्ल्स इलियट। उसके बाद ये डेप्यूटी कमिश्नर बनते हैं और इनसे वो अपना पावर ले लेते हैं। लेकिन ये खुद पूरे छत्तीसगढ़ एरिया में अकेले रूल नहीं कर पाएंगे, तो ये अपने साथ असिस्टेंट कमिश्नर रखते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट कमिश्नर, और ये दो लगभग दो एरिया में होते हैं, एक बिलासपुर और एक रायपुर। बिलासपुर में तो देखे, ये गोपाल राव को ही इन्होंने बिलासपुर में असिस्टेंट कमिश्नर रख लिया था। तो गोपाल राव
वॉज असिस्टेंट कमिश्नर फॉर बिलासपुर, बट फॉर रायपुर इट वॉज मोहिबुल हुसैन, मोहिबुल हुसैन। तो ये दो नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, गोपाल राव एंड मोहिबुल हुसैन, ये बिलासपुर रायपुर में असिस्टेंट कमिश्नर थे और फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर हमारे थे चार्ल्स इलियट। तो ये वाला बैकग्राउंड याद रख लेना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़ में, जो इन लोगों ने कुछ सिस्टम लागू किया, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला सिस्टम है वो तहसीलदारी सिस्टम, तहसीलदारी सिस्टम। अब देखिए अभी तक होता क्या था, इतने दिन तक तो सारे परगना थे, जो पहले आपके जितने अलग अलग, जैसे बिंबाजी भोसले को माना जाता था कि वो प्रोपोनेंट थे ये परगना सिस्टम के, फिर विट्ठल राव दिनकर आए थे और वो इसको एग्जीक्यूट किए थे। उसके बाद ये सारे लगभग 27 परगनास में बटे हुए थे। उसके बाद हमने एगेन्यू के बारे में भी पढ़ा था कि जब एगेन्यू आए थे सुपरिटेंडेंट बनके, तो उन्होंने ये परगनास को रीअरेंज किया था, रीऑर्गेनाइज किया था, और ये एगेन्यू ने 9 परगनों में कन्वर्ट कर दिया था, जो 27 परगने थे उसको रीऑर्गेनाइज करके 9 परगनों में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये 9 परगने उस समय के मेन मेन जो आज मतलब डिवीजन है वो सब होते थे, लेकिन इन्होंने एक व्यवस्था लाई जो है तहसीलदारी, जो आज भी हमारे छत्तीसगढ़ और इंडिया में लागू होती है। तो तहसीलदारी ये इनका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो ब्रिटिशर्स ने लाया वो था तहसीलदारी सिस्टम। इसके तहत क्या होता था, सबसे पहले फर्स्ट थ्री तहसील्स वर मेड, तीन तहसील बनाया गया था। ये तीन तहसील कौन थे, तो सबसे पहले आता है आपका, देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ है उसमें दो तो एकदम फिक्स है, पहले रतनपुर था तो रतनपुर है, और रायपुर ब्रांच था तो रायपुर है, तो ये दोनों को तो होना ही था, तो रतनपुर और रायपुर। और हमने पिछले कई उसमें जिक्र किया है, जैसे ट्रीटी ऑफ कोटपाड़ के बाद भी जब वो सब हुआ था, बस्तर के साइड जब फाइट होता था तो उन लोग जब उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था तो सिहावा नगरी को सेक्रीफाइस किया था, तो सिहावा धमतरी में आता है, तो धमतरी को भी उन्होंने तहसील बनाया था, तो धमतरी। तो ये तीन तहसील थे जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए तहसीलदारी। और ये जो तहसील के जो हेड हुआ करते थे, ठीक है, तहसील के हेड वॉज तहसीलदार, आज भी होते हैं, आज भी हमारे तहसील है और उसके जो हेड होते हैं वो तहसीलदार होते हैं। लेकिन अब ये जो तहसील है ना, तहसील्स, इसके अंडर में परगना आते थे, मतलब परगना सिस्टम अभी भी था, लेकिन अब उनके ऊपर एक तहसील रख दिया गया था, कि टोटल 9 परगने थे और 9 परगने के ऊपर 3 तहसील, तो ये परगना उस समय 9 और तहसील 3 थे, ठीक है, तो 9 परगना, और इसके हेड तो तहसीलदार हुआ करते थे तहसीलदार, लेकिन इसके हेड थे नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आज भी ये पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की। तो ये दो सिस्टम तहसीलदारी सिस्टम के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद एक डेट आता है 1 फरवरी 1857, अभी भी 1857 की क्रांति हुई नहीं थी, 1857 की क्रांति 10 मई के करीब होती है, तो ये फरवरी है, अभी उस समय हुआ नहीं था। तो इस समय क्या होता है कि इन्होंने जो तीन तहसील रखा था उसको कन्वर्ट किया और रिकॉन्स्टिट्यूट किया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तहसील। अब ये तीन तहसील को उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि तीन तहसील भी एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता था, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तहसील में 5 तहसील बना दिया गया, ठीक है, 5 तहसील। और ये 5 तहसील कौन थे, तीन तहसील तो यही थे, रतनपुर, रायपुर और धमतरी, ये तीन तहसील तो पहले से थे, दो तहसील और जोड़ा गया, उसमें थे नवागढ़ और धमधा, ये अब टोटल 5 तहसील हो गए। लेकिन बाद में फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि धमधा तहसील के बजाय दुर्ग तहसील होना चाहिए, तो इसको फिर उन्होंने धमधा को चेंज किया और इसको बना दिया दुर्ग। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर 1857 तक हमारे जो छत्तीसगढ़ में 5 तहसील थे, रतनपुर, रायपुर और धमतरी तो फिक्स था, एक नवागढ़ था और एक जो धमधा के बजाय दुर्ग हो गया था,
तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि कितने तहसील थे, तो 5 तहसील थे, और कौन से तहसील थे तो ऑप्शन में दिया रहेगा, और कौन सा तहसील चेंज किया गया था तो धमधा को दुर्ग किया गया था, कौन हेड था परगना का तो नायब तहसीलदार, और ये जो तहसील का हेड कौन था वो तहसीलदार था, लगभग इतना ही है। और कौन सा ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ था। अब हम लोग आते हैं इनके सेकेंड एरिया पे, वह है जिलेदारी सिस्टम। ठीक है, अब ये तहसील तो बना दिए, अब इसके बाद ये जिले बनाएंगे, तो इनके ब्रिटिश रूल में चलते हैं, इनका जिलेदारी सिस्टम। जिलेदारी सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए 1857 तक हो गया, 5 तहसील हो गए, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन 2 नवंबर 1861, ठीक है, 1 नवंबर तो हमारा छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन डे है, ऐसे याद रहता है, उसके एक दिन और मान के चलिए 2 दिन, 2 नवंबर, तो 2 नवंबर 1861 में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को लगता है कि तहसील में अब काम नहीं चलेगा, अब डिस्ट्रिक्ट बांटा जाए, ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट वर मेड, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अब वो कौन कौन होंगे, तो बिलासपुर रतनपुर जो तहसील था, अब उसके बजाय बिलासपुर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, फिर है रायपुर, तो रायपुर तो पहले भी तहसील था और उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसके बाद जो धमतरी था, नवागढ़ था और वो दुर्ग था, वो लगभग उसको नहीं, लेकिन इसके बाद तीसरा जो तहसील डिस्ट्रिक्ट बनता है वो है संबलपुर, संबलपुर, ये तो ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे छत्तीसगढ़ में बने। ठीक है, उसके बाद आते हैं और इसी टाइम पे बस्तर भी एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ठीक है, बस्तर बनाया गया था, बट बस्तर आता था गोदावरी डिवीजन में, गोदावरी डिवीजन में, ये हमारे डिवीजन में नहीं आता था। ठीक है, ये एक अलग से एक डिवीजन हुआ था, संभाग हुआ था, उसका ये पार्ट था बस्तर, और हमारे जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट में ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते थे। फिर 1862 पे आते हैं, 1862, तो 1862 में क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट तो बन गए थे, अब डिवीजन बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ एज अ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिवीजन बनाया गया, ये अलग से एक डिवीजन बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना जनरली मतलब कितने बार सीटीपीएससी पूछ चुका है और अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे वो कब बनाया गया था और डिवीजन कब बनाया गया था, तो जनरली स्टूडेंट्स इवन मैं भी अपने टाइम पे कंफ्यूज होता था कि 1861 है कि 1862, तो ये चीज याद रखिएगा कि एक जैसे हमारा जो दुर्ग डिवीजन है, ठीक है, वो 2012 में अनाउंस हुआ था, और वो ठीक है, तो दुर्ग जो संभाग बनाने के लिए था तो उसके पहले तो डिस्ट्रिक्ट बन चुके थे, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट था, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट था, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को एक रीऑर्गेनाइज करके संभाग बनाया गया। सेम चीज इसमें भी है कि पहले कोई संभाग नहीं बनता, पहले एक डिस्ट्रिक्ट बनती है और उसको फिर घेरा बना के संभाग बनाया जाता है, सेम एज कि पहले 3 डिस्ट्रिक्ट बने, बिलासपुर रतनपुर और संबलपुर, और फिर लगा कि अब इसको एक डिवीजन बना देना चाहिए, तो इसको एक डिवीजन 1862 में छत्तीसगढ़ को एक इंडिपेंडेंट डिवीजन बना दिया गया। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन आता है तो पहले ये देख लीजिएगा कि 61 में पहले डिस्ट्रिक्ट बना था और 62 में डिवीजन बना था। अच्छा, 1861-1862 हो गया, छत्तीसगढ़ एक डिवीजन बन भी गया, कोई बात नहीं। अब ये चलता आया सिलसिला और 1905 तक चलता आया, फिर 1905 में आप पूरे इंडियन हिस्ट्री में पढ़े हैं कि बंगाल का डिवीजन हो रहा था। ठीक है, वो ईस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल था, अलग अलग डिवीजन हुआ था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। उसमें क्या, ये जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है ये आता था उड़ीसा में और दुर्ग हमारे यहाँ आता था, तो मतलब दुर्ग तो पहले से था लेकिन संबलपुर को उधर भेज दिया गया, तो संबलपुर वॉज ट्रांसफर्ड टू उड़ीसा, इनको उड़ीसा दे दिया गया और हमने एक और डिस्ट्रिक्ट बनाया, 1 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड और वो है दुर्ग। तो अब मतलब 1861 में जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, 1905 में भी 3 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन बिलासपुर था एक, बिलासपुर, रायपुर था
और एक दुर्ग बना, ये संबलपुर हट गया, उधर चला गया और दुर्ग हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। इसी 1905 में एक बार मैं प्रिंसली एस्टेट पढ़ाया था तो भी ये चीज बताया था कि 1905 में हमारे पांच जो प्रिंसली एस्टेट थे वो भी ट्रांसफर हुए थे, मतलब एक्सचेंज हुए थे। 5 प्रिंसली एस्टेट वर एक्सचेंज, ठीक है। ये कहां कहां के बीच में हुआ था कि हमारा जो उड़ीसा के जो 5 प्रिंसली एस्टेट थे वो हमारे यहाँ आए थे और हमारे 5 वहां गए थे। वहां के कालाहांडी वगैरह जो पटना था और रायखोल था वो सब हमारे यहाँ गए थे, और हमारा जो था कोरिया, ठीक है, चांग बखार, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, ये पांचों के पांचों हमारे एरिया में आ गए थे, ठीक है। तो लिख लेता हूं यहां पे, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर, ये 5 जो प्रिंसली एस्टेट थे वो हमारे यहां आए और 5 प्रिंसली एस्टेट हमारे वाले जो उनके उनके यहां चले गए। तो ये तो मेजर चेंजेस हुए थे कि हमारे यहां संबलपुर को उधर भेजा गया था और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ये 5 प्रिंसली एस्टेट हमारे जो हमारे यहां ट्रांसफर हुए थे। तो ये ओवरऑल जिलेदारी सिस्टम था। अब इनका थोड़ा सा रेवेन्यू सिस्टम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, अभी रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं। देखिए 1854 पे ब्रिटिश रूल करना शुरू कर दिया था 1854 पे, ठीक है। अब ये सिलसिला चल रहा था, ये 1854 से उन्होंने तहसीलदारी सिस्टम शुरू की, उन्होंने जिलेदारी सिस्टम शुरू की और आगे चलता रहा 1905 तक, ये चीजें होता है। रेवेन्यू सिस्टम में देखिए जो 3 साल का रेवेन्यू था, जब 1854 से 57 तक, ये 3 साल का रेवेन्यू, 3 years रेवेन्यू, ये जो टेक केयर करता था, जो देखता था वो था चार्ल्स इलियट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो डेप्यूटी कमिश्नर था वो चार्ल्स इलियट बना था, तो जो भी डेप्यूटी कमिश्नर होगा वही रेवेन्यू को भी देखेगा। अब इसी टाइम पे 3 न्यू परगना वर फॉर्म्ड, देखिए 5 तहसील भी हो गए, 3 डिस्ट्रिक्ट भी हो गए, अब इन्होंने 3 न्यू परगना भी इंट्रोड्यूस किया था। लगभग जब एगेन्यू के टाइम पे 9 परगने थे और ये 3 न्यू होके 12 टोटल परगने कन्वर्ट हो गए थे। इनका जो टैक्स जो सिस्टम था ये 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, 4 भागों में। ये एक टैक्स लेते थे लैंड रेवेन्यू से, जो भी लैंड रेवेन्यू है उससे टैक्स लेते थे। फिर एक जो टैक्स लेते थे वो था एक्साइज से, फिर एक जो टैक्स लेते थे वो है टोल टैक्स से, और एक जो टैक्स था वो है नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स। ये 4 टाइप का टैक्स ब्रिटिशर्स लेते थे, ठीक है। तो ये आज भी, मतलब उस टाइम पे भी टोल टैक्स को सायर कहते थे, जो मराठा लोग भी बोलते थे सायर, ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चरल को पंडरी बोलते थे, जो मराठा भी बोलते थे। तो ये 4 टाइप का टैक्स है जो ब्रिटिशर्स वसूल करते थे हमसे, और ये टैक्स वसूलने के लिए एक रूल बनाए थे वो, ठीक है, रूल फॉर टेकिंग टैक्स, टैक्स पर इसको नाम दिया गया था, उसका नाम था दस्तूर उल अमल, दस्तूर उल अमल, ये नाम था एक जो रूल का नाम था जिससे उन्होंने वो टैक्स वसूलते थे। इसके बाद एक नया सिस्टम जो आया वो देखते हैं कि टैक्स तो ठीक है, उसके बाद जो विलेजेस का हेड होता था, ये पूरा सीक्वेंस चलता है, जब कलचुरी थे तब भी विलेज के हेड गौटिया थे, जब मराठा आए तब भी जो विलेज के हेड थे वो गौटिया थे, उसके बाद अब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश जो विलेजेस के हेड है उसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब नाम नहीं, उन लोगों को चेंज कर दिया कि अब गौटिया हेड नहीं रहेंगे, अब जो हेड रहेंगे हेड क्या बोलते हैं, हेड वॉज नॉट गौटिया, इंस्टेड इट वॉज मालगुजास।
तो आप जनरली कभी भी गांव की तरफ ये थोड़ा सुनते होंगे कि ये तो गौटिया आदमी है, ये तो माल गुजार है। तो ये सब सिस्टम वही है कि गौटिया मराठा के टाइम पे विलेज से जो हेड होते थे वो थे, और ब्रिटिशर के टाइम पे वही नाम चेंज होके माल गुजार हो चुका था। तो माल गुजार माल गुजार हेड ऑफ विलेजेस, ठीक है। और एक और सिस्टम है, देखिए पहले जो कलचुरी के टाइम पे कौड़ी चलता था, मनी, ठीक है। उसके बाद मराठा आए तो वो नागपुरी रुपया चला दिए, और अब ये ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश अपना ब्रिटिश रूपी चलाए, ठीक है। तो नागपुरी रूपी वॉज चेंज्ड टू ब्रिटिश रूपी, ठीक है। ये पांच मेजर रेवेन्यू सिस्टम के थे जो इन्होंने मतलब चेंजेस किए हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है समझना, ठीक है। शुरुआत के 3 साल चार्ल्स एलियट ने संभव कर दिया, बस उन्होंने 3 नए परगनास इंट्रोड्यूस किए। पहले 9 थे, उसके बाद और ऐड हो गए, 12 हो गए। टैक्स, लैंड टैक्स तो लेंगे ही, जमीनों से जो टैक्स है, एक्साइज टैक्स लेंगे, टोल टैक्स लेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स लेंगे। उसके बाद जो हेड, जो इसका रूल है वो है आपका दस्तूर उल अमल, ठीक है, दस्तूर उल अमल। उसके बाद जो गौटिया थे उसके बजाय माल गुजार हो गया, नागपुरी रुपया के बजाय ब्रिटिश रुपया हो गया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसका जो एक ये है जुडिशियल सिस्टम देखते हैं। ब्रिटिश रूल काफी लंबा है क्योंकि उन्होंने इतना साल रूल किया है, तो एक एक सिस्टम को लगभग हम लोग जो अब देख रहे हैं ना वो 9 सिस्टम देखेंगे। उनका रेवेन्यू सिस्टम देख रहे हैं, उनका जिलेदारी सिस्टम, उनका तहसीलदारी, उनका जुडिशियल वगैरह वगैरह बहुत नोट हो गए हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, देखते हैं। तो यह है जुडिशियल सिस्टम। अब देखते हैं, देखिए इस टाइम पे कुछ कुछ पोस्ट हुआ करते थे, कौन कौन। एक था डेप्यूटी कमिश्नर, जो चार्ल्स इलियट था सबसे पहला डेप्यूटी कमिश्नर, और इनको जो हेल्प करने के लिए आता था वो था असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा, और कौन थे, तो और थे तहसीलदार। अब जुडिशियल सिस्टम मतलब जुडिशरी होगा, कोई फैसला लेगा वगैरह। तो 2 टाइप के केस होते हैं जनरली, एक होता है सिविल केस और एक होता है क्रिमिनल केस। ये जनरली 2 टाइप के केस होते हैं, आज भी होते हैं सिविल। अब ये जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो दोनों को, सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों को हैंडल करता था, क्योंकि सर्वोपरि है वो तो वो दोनों केसों को हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो, और इसको ये सब हैंडल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हेल्प करेगा, ठीक है, ये इसको हेल्प करने वाला है। उसके बाद ये तहसीलदार, ये क्या करता है, ये भी एक्चुअली दोनों केसों को हैंडल करता है, लेकिन सिविल केस अप टू 300 रुपए, ठीक है। 300 रुपए तक का कुछ भी ऐसा सिविल केस हुआ है तो उसको ये तहसीलदार अपने लेवल पे हैंडल कर लेगा, उसको उतना दूर तक नहीं भेजेगा। और क्रिमिनल केस ये हैंडल करता है, ठीक है, कोई भी डेथ हुआ है या कुछ मर्डर टाइप का हुआ है तो ये क्रिमिनल केसेस को ये तहसीलदार हैंडल करता है। फिर अगर नहीं हो पाता है तो फिर वहां डेप्यूटी कमिश्नर के पास जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं डेप्यूटी कमिश्नर को ही पावर रहता है किसी को भी मतलब सजा देने का, लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट देना है तो वो ही देंगे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल सिस्टम के बाद, वो है आपका पुलिस सिस्टम। अब 3-4 चीज को एक साथ देखते हैं हम लोग। ये है आपका पुलिस सिस्टम, ठीक है। ये पोस्ट सिस्टम है और ये है ट्रैफिक सिस्टम। बहुत सारे चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो पुलिस सिस्टम, इन्होंने 4 टाइप का बेसिकली मतलब अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में 4 इन्होंने चीज इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने रायपुर जेल बनाया,
पुलिस सिस्टम में देखा जाए तो रायपुर जेल बना था और इसका जो ईयर है वो इम्पोर्टेंट है, वो 1854, ठीक है। जैसे ही ये आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो उनको लगा कि भैया हम आ रहे हैं तो कोई ना कोई मस्ती करेगा, तुरंत जेल में करेंगे। तो सबसे पहला रायपुर जेल इन्होंने बनाया। उसके बाद रायपुर जेल बनाने के बाद भी लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो क्या किया, फिर उन्होंने पुलिस मैनुअल बनाया, पुलिस मैनुअल, और ये है 1858 की बात, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए 1857 में रिवोल्ट हो चुका था, उन लोग सतर्क हो गए थे कि अब इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक पुलिस मैनुअल बनाया कि आपको ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे। उसके बाद अगर देखें तो पुलिस जो सुपरिटेंडेंट है, पुलिस सुपरिटेंडेंट, ये पोस्ट उन्होंने लाया और वो है आपका 1862 पे, जब हमारा ये पूरा डिवीजन बन चुका था, डिस्ट्रिक्ट बन चुके थे, तब उन्होंने ये सिस्टम लाया था पुलिस सुपरिटेंडेंट का। और फाइनली बिलासपुर जेल, बिलासपुर जेल वो आया 1873 की, 1873 में। तो ऐसी कहानी बना के मैं तो याद कर लिया और आपको भी बता दिया कि ऐसे पहले समझो कि जैसे ही आएंगे तुरंत रायपुर जेल बनाएंगे, बना दिए। उसके बाद 1857 में रिवोल्ट हुआ तो 1858 में पुलिस मैनुअल बना दिया, सारे डिस्ट्रिक्ट बन गए तो अब वहां पे पुलिस सुपरिटेंडेंट रखना जरूरी था, तो 1862 में वो रख लिए और फिर फाइनली बिलासपुर जेल 1873 बना लिया। पोस्ट सिस्टम में देखिए, एक पोस्ट ऑफिस खुलता है रायपुर में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एट द रेट रायपुर, और ये जनरली पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि सबसे पहला पोस्ट मास्टर थे आपके स्मिथ, ये पहले पोस्ट मास्टर थे उसके। और ट्रैफिक सिस्टम में देखें, रायपुर है और नागपुर है, ठीक है, जो रायपुर और नागपुर का रोड बनाया गया, ठीक है, रायपुर नागपुर रोड, ये एगेन्यू के द्वारा प्लान किया गया था। एगेन्यू पहले, एगेन्यू ने प्लान बना दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। जनरली मैं सारे सुपरिटेंडेंट में सब बताया था कि एगेन्यू को आप खासकर याद रखिएगा, एगेन्यू और फॉन्डिस को, तो एगेन्यू ही मोस्टली सारा काम करते हैं। परगना को रीऑर्गेनाइज किया था, कैपिटल को शिफ्ट किया था रतनपुर से रायपुर, ये रायपुर नागपुर रोड को प्लान किया था, ठीक है। तो रायपुर नागपुर रोड प्लान वॉज डन बाय एगेन्यू। उसके बाद एक ग्रेट ईस्टर्न रोड बोलते हैं, ठीक है, जीई रोड, ये मुंबई से लेके कोलकाता तक जाती है, ग्रेट ईस्टर्न रोड। तो ये वाला निर्माण भी इसी टाइम पे हुआ था 1862 में। 1862 में हमारे सब डिवीजन बन रहे थे, सारे डिस्ट्रिक्ट बन रहे थे, तो एक रोड बनाया गया मुंबई से कोलकाता तक। उसके बाद NH 130 है, NH 130 देखिए, NH 30 आती है रायपुर तक और रायपुर से वो नीचे की तरफ जाती है, नीचे के डिस्ट्रिक्ट तक, लेकिन NH 30 जब ऊपर बिलासपुर की तरफ जाती है तो वो 130 का नाम ले लेती है और 130 से वो बिलासपुर से अंबिकापुर होते हुए जाती है। तो NH 130 का भी बिल्ट हुआ था और ये हुआ था 1905 में, ठीक है, 1905। तो ये तीन सिस्टम थे आपके इसमें। अब दो चीज बस और बच गया, उसको भी हम लोग इसी में निपटा देते हैं तब ये वाला ब्रिटिश रूल कंप्लीट ही हो जाएगा, वो है आपका इंडस्ट्री और एजुकेशन, इंडस्ट्री और एजुकेशन। ये वाला पोर्शन थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा पेशेंसफुली याद करिएगा। ठीक है, इंडस्ट्री में दो चीज आपको याद रखना है, 1894, फिर आता है तीन साल बाद 1897 और एक बार है 1935, ये तीन साल को याद रखना है। 1894 में सीपी मिल्स करके बना था राजनंदगांव, ठीक है, राजनंदगांव आरएनजी। तो ये सीपी मिल्स एक्चुअली कपड़ा की मार्केट थी, मतलब कपड़ा की एक इंडस्ट्री थी जो कि मुंबई के रहने वालों ने राजनंदगांव में बिल्ड किया था। उसके बाद ये 1897 में उनको लॉस वॉस जो भी हुआ होगा उस वजह से बंगाल की एक कंपनी ने इसको खरीद लिया और ये बन गया बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, ठीक है, बीएनसी मिल बोलते हैं, ये भी राजनांदगांव में ही था। और तो ये मतलब ये जो कपड़ा की इंडस्ट्री है वो पहले ही बन चुकी थी, वो सीपी मिल्स के नाम पे थी लेकिन इसमें बीएनसी कॉटन मिल बन गई, ठीक है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। और 1935 में मोहन
जूट मिल बना था, मोहन जूट मिल, ये है एट द रेट रायगढ़ पे, रायगढ़ पे मोहन जूट मिल है। तो ये इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्री को आपको याद रखना है, बीएनसी मिल और मोहन जूट मिल 1897 और 1935। एजुकेशन में देखे सबसे पहले 1893 पे आते हैं। देखे इसको मैं पहले ही बताया था कि रुद्र प्रताप देव जब काकतीय डायनेस्टी में थे तो 1894 के आसपास वो जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, तो उसमें से एक काम था राजकुमार कॉलेज का। तो 1893 में अगर अपन देखें तो ब्रिटिश रूल में ही आता है राजकुमार कॉलेज एट द रेट रायपुर, ये वाला बना था। उसके बाद आते हैं 1907 पे, 1907 पे सालेम गर्ल्स स्कूल, ठीक है, और उसके ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, ठीक है, इंग्लिश स्कूल। उसके बाद 1911 पे आते हैं और 1925 में आते हैं, ये एकदम छोटे छोटे स्कूल है लेकिन नाम याद रख लीजिएगा। एक है सेंट पॉल स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, और एक है कालीबाड़ी, कालीबाड़ी स्कूल, ठीक है। ये चार चीज याद रखिएगा, 1893 से 1907 पे आ जाइए, 1911 और 1925 पे, राजकुमार कॉलेज, सालेम गर्ल्स कॉलेज, सेंट पॉल्स स्कूल और कालीबाड़ी स्कूल। उसके बाद देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चला था 1920 के करीब तो नेशनल स्कूल्स बन रहे थे हमारे यहाँ, ठीक है, नेशनल स्कूल्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कोई चीज कॉपरेट नहीं करता था, करना था तो लोग स्कूल ले जाते थे, तो हमारा भी कुछ स्कूल होना चाहिए, तो उस समय नेशनल स्कूल बनाए गए थे। 1937 पे जब बीजी खरे, मतलब आपका जो पूरा सेंट्रल प्रोविंस का गवर्नमेंट जब बना था, इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, तो उस समय बीजी खरे की सरकार बनी थी, और उस समय जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर वो थे आपके हमारे पंडित रवि शंकर शुक्ला, ठीक है, पीटी आरएसएस लिख देता हूं, पंडित रवि शंकर शुक्ला जी ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इन्होंने एक योजना लाई थी, वो थी विद्या मंदिर योजना, ये योजना पंडित रविशंकर शुक्ला ने उस समय लाई थी। उसके बाद 1937 पे ही आते हैं और ये है छत्तीसगढ़ एजुकेशन कमिटी, एक छत्तीसगढ़ की एजुकेशन कमिटी बनाई गई थी बाय ठाकुर प्यारे लाल, ठाकुर प्यारे लाल ने एक छत्तीसगढ़ एजुकेशन कमिटी बनाई थी, और इसी के तहत 1938 में छत्तीसगढ़ कॉलेज बनाया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ कॉलेज इन रायपुर, और ये भी ठाकुर प्यारे लाल सिंह की ही देन थी, ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह के। और बाद में एक हमारे बिलासपुर में SBR कॉलेज बिलासपुर, ये है आपका शिव भगवान रामेश्वर लाल, शिव भगवान रामेश्वर लाल कॉलेज है SBR कॉलेज बिलासपुर में। तो फ्रेंड्स ये एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया, ये इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गई, उसके पहले पुलिस सिस्टम देखे, ट्रैफिक सिस्टम देखे, रेवेन्यू सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, तहसीलदारी सिस्टम, जिलेदारी सिस्टम, सारा लगभग हमने उनका जो रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम सारा कुछ देखा है। तो इस प्रकार ब्रिटिश रूल इन छत्तीसगढ़ लगभग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट